अब देखें, वन माइनस साइन थीटा रूट के अंदर है अपॉन वन प्लस साइन थीटा, और वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होगा? ये ऑप्शन है टू सेक थीटा, थ्री कॉस थीटा, टू टेन थीटा, सिक्स कॉट थीटा। देखो भाई, दो तरीके हैं, थीटा को कुछ मान लो, अब क्या माने ऐसा जिससे इन्फिनिटी ना आ रहा हो, तो साइन थर्टी। अब आप बोलो थर्टी क्यों, क्या 45-60 से भी आता? बिल्कुल आता, लेकिन आसान क्यों होगा 30 से, क्योंकि साइन 30 किसके बराबर है? हाफ के। तो आसान तरीन वैल्यू देखते हैं, तो जैसे कि हाफ पुट कर दिया साइन थर्टा, वन माइनस हाफ वन प्लस हाफ, यहाँ से भी वन प्लस हाफ, देखो ना भाई रूट में वन प्लस साइन थर्टी हाफ, फिर वन माइनस हाफ, यहाँ से वन अपॉन टू, यहाँ से थ्री अपॉन टू, यहाँ से थ्री अपॉन टू, वन अपॉन टू। मैथ्स के रूल के तहत ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कटा, यहाँ से वन अपॉन रूट थ्री, यहाँ भी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कटा रूट थ्री। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या होता है, रूट थ्री वन तो यही रहेगा, ये रूट थ्री मल्टीप्लाई थ्री, डिनोमिनेटर में रूट थ्री, फोर अपॉन रूट थ्री आ रहा है थीटा थर्टी रखने से ये। अब मैं चारों ऑप्शन में थीटा की जगह थर्टी पुट करके देखूंगा किससे फोर रूट थ्री आता है। पहले है टू सेक थीटा, तो सेक थर्टी होता है टू अपॉन रूट थ्री, टू टू सा फोर, फोर रूट थ्री, अरे ये तो आंसर आ गया, क्योंकि बहुत ए एन बी का भी ऑप्शन नहीं है, या ऑल ऑफ देम, तो ऑफकोर्स यही आंसर होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर करते तो क्या करते, ऑफकोर्स ये थ्री होता, कॉस थर्टी क्या होता, रूट थ्री बाई टू पुट करते, तो अब और किसी से भी आंसर हमारा फोर अपॉन रूट थ्री नहीं आता, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, ये